अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्रिकेट फैन के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मोहम्मद आमर भारत पहुंच चुके हैं। मोहम्मद आमर नैदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। नाज़रीन इंज़माम उल हक ने बड़ी खुशखबरी सुना दी है। मोहम्मद आमर को अचानक इंडिया रवाना कर दिया गया है। मोहम्मद आमर पाकिस्तान के स्क्वाड को ज्वाइन कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह से मैच हारा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की बॉलिंग पर बड़े सवाल उठ रहे थे। मोहम्मद आमर की वापसी हो गई है पाकिस्तान के स्क्वाड में। यहाँ पर इंज़माम हक का वो इंटरव्यू भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को भी लाजमी से दबा दें। जी हां नाज़रीन, आपको बता चलें कि पाकिस्तान को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से बुरी तरह से हार मिली है, जिस पर पाकिस्तान के स्क्वाड में बड़ी तब्दीली कर दी गई है। नाज़रीन इंज़माम उल हक का बड़ा इंटरव्यू वायरल हो चुका है। इंज़माम उल हक का कहना है कि मोहम्मद आमर अगर आज ही रिटायरमेंट वापस लेते हैं तो सुबह पहले मैच में मोहम्मद आमर को शामिल किया जाएगा। नाज़रीन आपकी क्या राय है, आपने कॉमेंट बॉक्स में लाजमी से बताना है क्या मोहम्मद आमर को टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर